अभी तो कुछ हो जाए तो बहुत मजा आ पड़े हुआ है सर जी सर लास्ट टाइम हम लोग कहां थे हमने कहा था अगर एरिया कम कर दिया जाए तो वेलोसिटी अपने आप प्रेशर कितना है तो यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा सोचने वाली बात ये है
सर मान लो कोई जैसे जैसे मान लो कि बाइक बाइक दौड़ रही है तो उसका मास क्या है एम, लेकिन फ्लूड दौड़ रहा है तब क्या करें? अब फ्लूड कोई कॉन्स्टेंट दौड़ी नहीं, फ्लूड कॉन्स्टेंट है, फ्लूड तो कितना भी हो सकता है और फ्लूड कंटिन्यूसली दौड़ रहा है, तो वहाँ पर हम मास की जगह क्या लेते हैं? डेंसिटी। मास की जगह क्या लेंगे? तो सर प्रेशर पी वन, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो वन बाई टू वैसे होता था हमारा एम भी इस पर है और यहाँ पर मैं लूंगा रो वेलोसिटी बी वन, तो बी वन स्क्वायर प्लस कितनी हाइट है एच, मैंने कहा मास की जगह हम क्या लेंगे? डेंसिटी, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे रो जी हाइट क्या है एच वन, तो एच। अब अपने यहाँ पर आए ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे तो सर प्रेशर कितना है? पी टू, पी टू वन बाई टू रो बी टू सर यहाँ पर वेलोसिटी बी टू, तो बी टू प्लस रो जी एच ठीक है। अगर मैं देखो एनर्जी क्या है कॉन्स्टेंट, अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पर किसी मैंने एक पॉइंट ले लिया कोई भी बीचों में एक पॉइंट ले लिया, यहाँ प्रेशर मैंने क्या मान लिया पी, डेंसिटी क्या है रो, वेलोसिटी क्या मान ली बी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सर पी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर क्या होगा ये कॉन्स्टेंट, यानी कि टोटल एनर्जी इसमें रहती है तुम्हारी प्रेशर P2 प्लस रो B2 स्क्वायर, तो अगर मैं सर इसमें
तो मैंने कहा मान लो अगर बीच में कहीं है, प्रेशर क्या है p, वेलोसिटी क्या है v, तो हाफ रो b स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। अब इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिली, क्या शिक्षा? इससे हमें क्या शिक्षा मिली, ये सब p प्लस हाफ रो b स्क्वायर क्या है कांस्टेंट। मैंने कहा कोई दो चीजें हैं वो कांस्टेंट, यानी दोनों चीजों का योग, यहां पर एडिशन है, दोनों चीजों का एडिशन क्या है कांस्टेंट। सर इसका मतलब एक चीज हुई कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज का होगा, ठीक है? जैसे मैंने कहा मान लो एक एक चीज ये एक चीज ये, ठीक है, इन दोनों को, इन दोनों का योग यानी उनका एडिशन 100 है, ठीक है, तो अगर ये 10 बढ़ेगी तो ये 10 सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इसमें देखूं, इसमें हमने अगर इस चीज में हम लोग ये चीज देखें, तो मैंने ये पाया कि सर यदि मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करूं, इफ वेलोसिटी क्या करूं, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये भी क्या होगा बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो 1/2 रो बी स्क्वायर भी क्या होगा इंक्रीज होगा, अगर ये पूरा इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा तो कांस्टेंट होगा। मैंने कहा मान लो ये भी 50 ये भी 50 दोनों मिलके क्या है 100, अगर ये 70 हो गया तो ये 30 नहीं हो गया, इसका मतलब ये है अगर सर ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने देखा होगा कि जब तुम पानी देते हो, ठीक है, कौन से पाइप से, तो पाइप से तुमने प्रेशर तुमने क्या किया उसे दबाया, दबाने पर एरिया क्या हुआ कम, एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी वहां से वेलोसिटी निकली, जैसे ही उससे वेलोसिटी निकली यानी कि बी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रेशर अपने आप से क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, या इसका मतलब ये हुआ जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, अब उस पॉइंट पर वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड हो जाए तो वहां पर जो पहले प्रेशर था अब प्रेशर क्या हो जाएगा कम, ठीक है, और हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ता नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज होने पर प्रेशर क्या हो जाता है डिक्रीज, तो प्रेशर डिक्रीज हो, तो इसका योगदान बात करते हैं बैरोमीटर, बैरोमीटर किस लिए यूज होता है, बैरोमीटर 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 मतलब कुछ है, बैरोमीटर किस लिए यूज होता है, वो सब क्या था ना मम्मी हवन रही है पढ़ते रहे, हमने उन्हें खाना बनाया और जितना हमने खाना बनाया वो सब हमने कढ़िया में तल दिया, और जितना हमने उनको बड़ा था उसको कढ़िया में तला है, तला दे वो कन्ने वाले खा लिया है ना, एक्चुअली मीटर का यूज कहाँ होता है पता, मैनोमीटर यूज कहाँ होता है, मैनोमीटर का अपन वेंचर मीटर नहीं सोचा था वो कौन सा था, अच्छा ये वेंचर मीटर थे बैरोमीटर, बैरोमीटर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मैनोमीटर किसी भी गैस का प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर, ठीक है आप बता दे, एक एक हमारे यहाँ जो नॉर्मल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना होता है,
एटीएम, एक एटीएम मतलब 10^5 न्यूटन पर मीटर। देखो सबसे पहले मैं बात करूं बैटरी फिल्टर का यूज क्या किया जाता है, इसमें देखना Battery meter is used to measure flow speed of a pipe. 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 फिर इसको बात करेंगे क्या कहते हैं संरचना की बात करें, ये कैसे बना हुआ, ये बना हुआ कैसे है, पहले इस चीज के इसकी संरचना की बात करें। Yeah.
ठीक है, नालियां होती है, तो नाली जो होती है वो सिर्फ ऐसे सीधी गई होती है, ठीक है। मैंने कहा एक नाली है, बिल्कुल नाली समझो, बिल्कुल नाली है ऐसे चौड़ी है, फिर क्या हो गई पतली, फिर ऐसी, फिर ऐसी भाई से, ठीक। अब जरा इसके नाली सेब कैसे, देखो कोई भी जब नाली होती है वो जमीन पर बिल्कुल ऐसे स्पेस ऐसे होगी, अगर बेटा ऐसे जाके ऐसे चौड़ी, जैसे पहले चौड़ी है ठीक है, ज्यादा है फिर वृत्त कम भी हो जाए, लेकिन उसका ऊपर का जो सिरा है, ऊपर का पटला रखा हुआ है वो तो सेम है। तू बता अगर कोई नाली पतली है, इधर चौड़ी है, लेकिन ऊंचाई तो बराबर है उसकी, तो पटला को उसके ऊपर ऊंचाई का समान रखा हुआ है, जितना इधर है उतना ही। ऐसे ही मैंने कहा कि कोई एक प्रकार की ऐसी नाली है, ठीक है, जो ये यहाँ पर जो ये दिखाई गई है ना, ये यहाँ से निकली है, ये कहाँ से निकली है, बीच से, कहाँ से निकली हुई है, बीच से निकली है, बीच से निकली है। सर समझ में नहीं आ रहा कैसे, ये इधर ये चौड़ी है, ये बेटा बच जा रहा इधर बच, तो ये अगर मैं ऐसे बीच से ऐसे काट दूँ, काट दिया तो इधर ज़्यादा है एरिया, इधर एरिया कम, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसमें एक ऐसे लगाया और घुमा के, तो इन दोनों की हाइट लगभग क्या है बराबर, इन दोनों की हाइट क्या है बराबर। अब सजी मैं इसको यहाँ से तो दिखा नहीं सकता, तो मैंने इसे कहाँ से दिखाया हुआ, इस साइड से, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से लेना है तुमको, बी से, तो जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट क्या दोनों की हाइट सेम है, तो मैंने तुमसे कहा जैसे ये इसे तुम अगर बीस से काट दो, बीस से काटने के बाद एक यहाँ पर रख दो ऐसे और एक यहाँ, कम एरिया पे जाता तो दोनों की हाइट क्या है सेम, तो इधर एरिया जाता है इधर एरिया, तो यहाँ पर जो ये हाइट है जिस हाइट पर ये, जिस हाइट पर ये रखी हुई है यूट्यूब एक प्रकार की रखी हुई है नलका, ऐसे जाके ऐसे इन दोनों की हाइट क्या है सेम, इन दोनों की हाइट सेम। अब अगर इन दोनों की हाइट सेम है तो तुम बोले सर अगर ये जमीन पर रखी हुई है तो तुम बोले अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वन बी वन इजिकल टू, तुम बोले सर ए वन बी वन इजिकल टू ए टू, लेकिन बर्नौली थ्योरम क्या है, बर्नौली थ्योरम बोली अगर यहाँ प्रेशर क्या है पी वन, यहाँ प्रेशर है पी वन, यहाँ एरिया क्या है वेलोसिटी क्या है, तो वन बाई टू रो बी वन, तो दोनों अगर सेम हाइट पर है तो एच क्या होगी जीरो, अगर एच जीरो हो गई तो एच वाली जीरो कर दो, दूसरी तरफ प्रेशर पी प्लस हाफ रो बी टू सही। अब अगर मैं इसको इधर लाऊं तो पी वन माइनस इसको उधर ले जाऊं बी टू स्क्वायर हाफ रो बी, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, वन बाई टू रो कॉमन है स्क्वायर माइनस ये आया चेंज इन चेंज इन, एक बार जैसे मान ये है ठीक है, इसकी ये ब्रेड है ठीक, देखो एक रजिस्टर है ये, अब इन दोनों की देखो ये इसकी ब्रेड ज्यादा है इसकी ब्रेड कम है, ये सर जी ये भी तो ब्रेड हो जाना ये हो गया, अब तो ब्रेड कम हो गई, ये ज्यादा ब्रेड और ये ब्रेड क्या हो गई कम, मान लो ये इसके पास ऐसे ठीक है ये ऐसे हो। अब मैंने क्या किया यहाँ से एक चीज ऐसे ली और ऐसे लगा, तो जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट सेम हाइट है दोनों की, तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से कि यहाँ पर हाइट क्या है दोनों की सेम, यहाँ प्रेशर पी वन वेलोसिटी वी वन और हाइट दोनों सेम हाइट पर है, तो दोनों के लिए एच क्या हो गई जीरो, एक तरफ ये दूसरी तरफ आप एक चीज सबसे चलो वेलोसिटी बी वन ज्यादा होगी बी टू ज्यादा होगी, बी वन ज्यादा होगी बी टू ज्यादा होगी, बी वन ज्यादा होगी ये बड़ा एरिया है एरिया छोटा होगा तो बी टू क्या होगी ज्यादा होगी एरिया तो वेलोसिटी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा इसकी वेलोसिटी कम, और मैंने क्या कहा
जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, तो प्रेशर किसका कम होगा? यहां पर अगर बी टू, यहां पर प्रेशर कितना है बी टू, तो बी टू क्या होगा कम, बी वन क्या होगा ज्यादा प्रेशर। सर यहां पर प्रेशर P2, यहां पर प्रेशर P1, तो 100% P2 ज्यादा P1 कम। तो अगर मैं देखो, मैंने क्या किया, P2 को इधर लाया, P2 कम है और P1 क्या है ज्यादा, तो सर ये हो गया, ये बिल्कुल सर। अब अगर बात करिए सर इससे, अगर मैं इससे इससे मैं बात करूं तो सर अगर मैं इसमें B2 की वैल्यू निकालूं तो B2 क्या हो जाएगा A1 B1 अपॉन का A1, ये हो गया उठा के, ये हो गया डेल्टा पी हाफ रू बी टू की जगह पर मैंने क्या किया ए वन ए टू बी वन का होल स्क्वायर माइनस बी वन का स्क्वायर। अब एक बटे दो, एक बटे दो यहाँ पर कहा जाए ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर अपॉन ए टू माइनस का बी वन स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है बी वन को बचा ए वन स्क्वायर अपॉन माइनस। सर चेंज इन प्रेशर, मैंने कहा था चेंज इन प्रेशर कैसे निकालोगे सर, जितना ही चेंज इन प्रेशर कैसे निकालोगे, ये प्रेशर ज्यादा है ये प्रेशर, तो कैसे निकालोगे सर, दोनों के दोनों के लेवल में कितना अंतर है, दोनों के लेवल में कितना, इन दोनों के लेवल में कितना अंतर है, h अंतर है, h अंतर है, तो यहां पर हो जाएगा रो जी h, रो से रो ठीक है। तो अगर मैं b1 स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो दो की इधर मल्टीप्लाई करूंगा 2gh b1 स्क्वायर a1 स्क्वायर, तो अगर मैं b1 स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस या फिर b1 बराबर 2gh a1 स्क्वायर माइनस, ये उतार लो, इस पर क्वेश्चन कब नहीं हो, ठीक है, इस चीज से, इस चीज से मैंने कुछ चीजें सीखी, लोग आपको यहाँ यदि Thank you.
स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स ई डबल एफ एंड एक्स स्पीड ऑफ ठीक ये सबसे इसमें कितनी हाइट बची है एस माइनस कैपिटल एच माइनस
ये हो जाता है वेलोसिटी का। अब तुमसे कहा जाए कि भाई जब यहाँ से पानी निकलेगा तो कुछ ना कुछ दूर जाके तो गिरेगा, ठीक है। अब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में ये पढ़ाया था, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया था। अगर तुम्हें वेलोसिटी पता हो और ये हाइट पता हो तो तुम आर बता सकते हो कि कितनी दूर जाके पानी। आर का फॉर्मूला हो जाएगा बी अंडर अंडर टू एच, कौन सी हाइट, ये वाली जितना हाइट नीचे है जमीन पर कितना है एच अपॉन जी, सही है, अंडर रूट टू एच अपॉन जी। अब सर अगर मैं वेलोसिटी का फार्मूला अंडर रूट टू जी एच माइनस एच और यहां पर देखो ये भी अंडर रूट में ये भी अंडर रूट में दोनों कैंसिल आउट, टू टू का कितने हो गया अंडर रूट एच माइनस एच इनटू, सही है, अच्छा सर फोर का कितना हो जाएगा अंडर रूट तो बाहर निकलेगा तो सर ये क्या है ये आया आर कितनी होती है दो अंडर रूट भी जहां पर होल है उससे ऊपर की है इनटू उससे नीचे की है दोनों की मल्टीप्लाई हां यही तो होगा तो हो जाएगा r = 2 अंडर रूट h माइनस h इनटू आप जवाब सर चलो ये तो सही ये हो गया ठीक। अगर कहा जाए तुमसे पानी भर गया। अब इनका जब घर खत्म होता है जहां
यहाँ पर एक है गली, और जो ये गली है ना, ये गली है, ये गली की जो विड्थ है, जो इस गली की विड्थ है, ठीक है, जो इस गली की विड्थ है, इस गली की जो विड्थ है ये वाली विड्थ होगा, ठीक है, ये है 10 मीटर, राइट, 10 मीटर का रास्ता है, और 10 मीटर के रास्ते के बाद क्या रह रही है, नाली, ठीक है सर, घर है, घर की ऊंचाई हमने ले ली कितना है, घर की ऊंचाई मान लो 10 मीटर, ठीक है, हेमंत, घर के बराबर में रास्ता है 10 मीटर, उसके बाद क्या है, तो इन्हें इन्हें इनके ऊपर क्या रखा जाता है, टैंक, टैंक में पानी भरा जाता है, टैंक में पानी भरा जाता है, टैंक भर गया, टैंक अगर ये भर जाए, अगर ये टैंक भर जाए, तो मैंने कहा ये टैंक भर जाए तो एक्स कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर यहाँ पर ऐसे होल कर दिया जाए, यहाँ से कितनी ऊंचाई पर होल कर दिया जाए कि यहाँ से पानी सीधे किस लिए जाए, यानी कि रास्ते में नहीं करके डायरेक्ट पानी कहाँ दे जाके, ठीक है, नाली पानी, तो मैं इस क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन जैसे आते होते नहीं हैं, तो मान लो सर सबसे पहले रेंज देखो, रेंज कितनी होगी, रेंज कितनी होगी, 10 मीटर, ठीक, रेंज हुई 10 मीटर, रेंज है पानी, आर इज इक्वल टू, तुम बोले टू अंडर रूट, नीचे की है, नीचे की है, इनटू ऊपर की भी है, ठीक है, बल्कि मैंने कहा हाँ वो यहाँ पर बिल्कुल लोअर पॉइंट है, ठीक है, लोअर पॉइंट पर बोलते हैं, तो लोअर पॉइंट नीचे वाला कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर, ऊपर वाली कितनी मान ली, और आर कितनी है, Thank you.
सर कोई टंकी है, उस टंकी में अगर पानी भरा है, उस टंकी में क्या भरा है, तो अगर उस टंकी के पूरा पानी अगर एच हाइट तक भरा है, तो अगर तुम उसके जस्ट आधे पर छेद कर दो, नीचे से भी एच बाई टू और ऊपर से भी, तो जो ये पानी की जो रेंज होगी ना, जहां पानी जाके गिरेगा वो क्या होगी, अधिकतम वो क्या होगी, रेंज क्या होगी, अधिकतम। ठीक है, अगर तुम्हें अधिकतम दूर तक पानी को गिराना है तो होल जस्ट कहां करना पड़ेगा, कहां करना पड़ेगा, जस्ट बीच में होल। Thank you.
देखो सबसे पहले पहला चैप्टर पहला टेस्ट लिखो, पहले जो टेस्ट में ले रहा हूं वो उसमें जो दोहराना है पूछा जाएगा। अच्छा फर्स्ट टेस्ट होगा तुम्हारा उसमें आएगा वेक्टर पूरा, दूसरा आएगा कैलोरीमेट्री, ठीक है। कैलोरीमेट्री में क्या क्या आएगा पहले बोल दे दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाई दी है ना जी सर, कैलोरीमेट्री से पढ़ाई है। अच्छा मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया ना, नहीं आपको किसी के साथ पढ़ा है। ठीक है सर, कैलोरीमेट्री का क्या है अच्छा एक ही चैप्टर लिख लेते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। कैलोरीमेट्री है ना, नहीं ये सब हटा दो, वर्क पावर एंड एनर्जी फैक्टर हटा दो, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। और आज कौन सा दिन है सर, कब होगा आज का दिन, आज के बाद इसके बाद मेरी क्लास का सोमवार, सोमवार को मेरी क्लास में आराम से बहुत सारे होंगे वो आपका टेस्ट लेंगे, आपकी कॉपी सबमिट कर देंगे, कॉपी सबमिट हो जाएंगे उसके दिन आपकी चेक होके आपको कॉपी मिल जाएगी। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात कि मैं ये सोच रहा हूँ हफ्ते पेश के लिए हफ्ते में एक दिन फिजिक्स का टेस्ट होना जरूरी है, मुझे जिस बच्चे का एक बार नाम याद हो गया उसका याद मैं याद रखता हूँ, अगर हमें पता नहीं अपने आप ही दिमाग में याद रहता है पता नहीं ऐसा क्यों। अच्छा ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ में काफ़ी लोगों के साथ में होता है। देखो आप लोग जब पेपर देते हो तो आप लोग पेपर देने के साथ क्या होता है, आप पढ़ के जाते हो, पढ़ते जाते हो, जाके पेपर देने जाते हो, जाके अपन के साथ क्या होता था, जब भी अपन पेपर देने जाता है तो अपन जैसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सबसे पहला काम होता है लिख के देखते हैं एक बार पढ़ने के बाद, लेकिन लिखूंगा एक ही बार जो चीज पढ़ी उसके बाद में एक बार लिख ली और बंद कर दी। अब पेपर देने जा रहे हैं पूरा दिमाग खाते ब्लैंक ब्लैंक खाली, कुछ ही नहीं पता है कि मुझे क्या पढ़ाई क्या नहीं पढ़ा। जब कॉपी सामने आती है ठीक है, कॉपी सामने आती थी फिर क्वेश्चन आते थे, हाँ सात आठ ही क्वेश्चन आए, फिर सिर्फ सात आठ क्वेश्चन ही याद रहेगा बाकी सब भूल गए क्या पढ़ा, और वो एक एक करके ऐसे रिमाइंड आते थे जैसे कॉपी सामने रखी हुई बस लिखते जा रहे हैं। भाई तुम लोगों ने मैंने तुम लोगों से कहा था जो नीट जो है वो तभी आप सफल कर सकते हो जब आप फार्मूला को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ोगे, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ोगे फार्मूला को तभी आप कंप्लीट कर सकते हो। फार्मूला आपको बहुत याद करने पड़ेंगे,
तुम आ गए, तुम आए, तुम 5 मिनट पहले आ गए, दूसरा दोस्त है वो 5 मिनट पहले है, ये रास्ते में नहीं जाना, तो एक दूसरे से कंसर्न करो, बात मत करो। अब जैसे मैं तुम लोग आप लोग तो सही सोचो कि जैसे हम लोग होते जब रोटेशन पढ़ा सारे मूवमेंट ऑफ इनर्स आपको याद है, हमने जब कोलिजन पढ़ा सारे की सारी इलास्टिक इलास्टिक उसकी इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक बॉडी और जितनी भी फार्मूला सिस्टम आपको याद है, ठीक है, उससे पहले हमने ग्रेविटेशन पढ़ा सारे की सारे फार्मूला आपको याद एक तरह से मैंने क्लास में सारे याद करवाए, ठीक, जो जो चैप्टर हम पढ़ते जा रहे हैं वो फार्मूला हमको याद होते जा रहे हैं, तो उसके बाद में हम अगर भूलें फिर क्या कर रहे हैं, ये तभी आपको तभी आप लोग उसको कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछो कि भाई इसका फार्मूला बताओ, इसका फार्मूला बताओ, इसका फार्मूला ऐसे, और जब तक हम फार्मूलाज को बार बार रिपीट नहीं करते तब तक नहीं। Thank you.
स्टूल की हाइट कितनी है? 4 मीटर। आप बताओ मैं होल कहाँ करूँ क्या कितना दूरी तय करूँ? चार और दो अब नीचे से 3 मीटर लो तो स्टूल नहीं मिलेगा। अब नीचे से कितनी दूरी पर जाऊँ? 3 मीटर तो स्टूल ही तो मिलेगा। अब स्टूल में क्षेत्र से कैसे बाहर निकला है? अब क्या करें अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि जहाँ पर सर में टोटल हाइट ऐड करूँ और बाई टू करूँ, बाई क्या करूँ सर, इसमें मैंने टोटल हाइट ऐड करी 4 और 2 6, नीचे से 3 मीटर ऊपर गया टंकी मिली, ठीक है, जहाँ टंकी ना मिली, जहाँ टंकी ना मिली मैं यहाँ से 4 और 2 6 से 3 मीटर टंकी मिली। अगर ऐसे कंडीशन में कोई टंकी नहीं मिले तो करना कुछ नहीं, तो आर मैक्सिमम कब मिलेगी? जब तुम टंकी के सबसे नीचे वाले हिस्से में, टंकी के सबसे सबसे नीचे वाले हिस्से में छेद करो, जो बॉटम होगा वो जितनी दूरी पर जाए। अब यहाँ पर वो रूल लागू नहीं होगा कि टोटल का, यहाँ पर कौन सा रूल लागू होगा सर? सबसे पहले वही वाला, कौन सा? आर बराबर ऊपर की हाइट, अरे दो ऊपर की हाइट इनटू नीचे की, तो 4 3 8 ये रूल लागू होता है।
इसका इधर वाला एरिया कैपिटल है, इसकी हाइट एच, जहां तक पानी है हाइट है एच। मैंने यहां पर एक टंकी से एक यहां पर कैपिटल छेद कर दिया, ठीक है, ये टंकी खोल दी छेद, तो तुम अगर टंकी खोल दी तो यहां से पानी निकलेगा। यहां जो एरिया है इस एरिया को मान लिया स्मॉल, इसे मान लिया स्मॉल। अब इससे पानी निकलेगा धीरे धीरे, कहां आएगा नीचे, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा टैंक खाली हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा टैंक को खाली होने में, टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो समय लगता है टी इक्वल टू कैपिटल के अपॉन स्मॉल आंसर बन टू एच अपॉन इतने समय में टैंक पूरा की पूरा खाली हो गया। Thank you.
तो आप कौन-कौन से आंसर, एक तो आ रहा है ओके से एरिया ए वेलोसिटी 3 प्लस एरिया 2a वेलोसिटी 1.5 बराबर जाने वाला, तो जाने वाला क्या है एरिया ए बाय 2 और वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक है वेलोसिटी निकालनी है। इन दोनों में ये 3a प्लस 3a बराबर ए भी बचे 3a 3a तो वेलोसिटी कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है आने वाला बराबर आने वाला बराबर फिर अगले ऊपरी लेयर, फिर अगले
पानी की हमेशा ऊपरी जो लेयर होती है ना वो अगले चलती है, ठीक है, उसके बाद में नीचे की लेयर चलती है। और जो पानी चलता है ना वो लेयर के फॉर्म में चलता है। कैसे लेयर के फॉर्म में? जैसे मान लो अगर कहीं पानी चल रहा है ना तो इसकी इधर चलती है सबसे ऊपरी लेयर, उसके नीचे अलग लेयर, ये बहुत सारी लेयरों के फॉर्म में चलता है, बहुत सारी लेयरों के फॉर्म में। और चलता कैसे? एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर, ठीक है, घिसलती है। जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर घिसलेगी तो क्या लगाएंगे? फ्रैक्शन, ठीक है, घर्षण लगेगा, घर्षण लगेगा, घर्षण लगेगा, जिसके कारण वो उसका चलने का क्या करेगी? विरोध करेगी। खुद बताओ, अगर कोई आदमी एक डायरेक्शन में चल रहा है, सारे के सारे फोर्स उधर ही लगते चले जाए तो वो और तेज चलने लगेगा। अब श्यामता ये कहती है कि अगर जैसे मान लो एक एक लिक्विड की लेयर ये है, एक लेयर, दो ही लेयर नहीं होती, बहुत सारे लेयर होते हैं, इनफाइनाइट लेयर, ठीक है, इनफाइनाइट लेयर। तो मैंने कहा एक लेयर है, एक लेयर, अब ये लेयर अगले चल रही है और ये भी लेयर चल रही है, अगर एक ऐसे चल ही रही है और ये भी चल रही है लेकिन तेजी से चल रही है तो ये क्या लगाएगी? इस पर घर्षण, घर्षण पीछे की ओर, तो ये घर्षण बल लगाएगी तो ये कहाँ जाने की कोशिश करेगी? पीछे। तो इसकी चाल क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। और जितना ज्यादा घर्षण बल होगा चाल उतनी धीमी भी होती है, ठीक है। इसीलिए तुम अगर देखोगे सर लिक्विड का, अगर तुम वाटर का और तुम हनी का लेगो शहद, तो शहद क्या चलता है? शहद धीरे धीरे चलता है, शहद चलता है धीरे धीरे, और वाटर कहाँ चलता है? तेजी से चलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो फ्रैक्शन होता है वाटर के कंडीशन में वो फ्रैक्शन कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हनी शहद के वो, ठीक है। डालना विस्कोसिटी, वी आई एस सी ओ, वी आई एस सी ओ सी आई टी वाली विस्कोसिटी, इसमें लिखना द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लू, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लू, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लू, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लू विच रिलेटिव मोशन, विच रिलेटिव मोशन, विच रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर, विच रिलेटिव मोशन, विच रिलेटिव relative motion between different layers, between different layers is opposed, is opposed, is opposed, is known as, is opposed, is known as viscosity, is known as viscosity,
एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसल रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को वो सब चीजें तैयार करनी है और वर्क एनर्जी और पावर, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर तैयार करना। फिर जिस फिर उसके बाद में दो दिन का अगर ऐसा शेड्यूल बना तो मैं दो दिन की मोहरत कर दूंगा, फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, दो दिन का टाइम मारूंगा, ठीक है, वो टेस्ट होने के बाद में दो दिन का टाइम दूंगा, फिर रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। और हाँ, और हमारी कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोगों किसी पास माइक है कौन सा बता नहीं बस ये लगाने वाला बोलने वाला भी ये वीडियो बनाने वाला नहीं तो मैं कैसे लगा जब हम थर्मोडायनामिक्स अच्छे से कर लेंगे।